अच्छा, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। इंटरेस्टिंगली मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों को इसको स्पाम के तौर पे भी प्रोनाउंस करते हुए सुना है, लेकिन इट्स एक्चुअली कॉल्ड स्पैम। सो इट्स नॉट स्पाम, इट्स स्पैम। क्या होती है स्पैम? स्पैम आर अनसोलिसिटेड मैसेजेस। सो किसी भी एक ऐसा मैसेज जो आपने सेंडर को अप्रूव नहीं किया आपको सेंड करने के लिए, दैट इज़ स्पैम। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचें कि आपको स्पैम कहाँ सुनने या देखने को मिलती है। जो आपको रोज़ मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस अपने फ़ोनों पे, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज स्पैम। स्पैम इज़ आल्सो फेक। सो स्पैम के जो मैसेजेस हैं, दोज आर फेक मैसेजेस। सो व्हेन आई से फेक, व्हाट डू आई मीन बाय फेक? फेक का मतलब ये है कि द मैसेजेस आर नॉट सेंट by the sender for a meaningful purpose. They are sent by the sender for just putting them out there as promotional messages. Aur aksar jo promotional messages hote hain, those are spam. Spam messages are unsolicited. So again, not spam, spam. Spam ki jo messages hain, those are also generated by bots. बॉट्स क्या होते हैं? बॉट्स आर सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद सोच सके, खुद चल सके और खुद रैंडम मैसेजेस जनरेट कर सके। सो ये जो बॉट्स हैं, ये अक्सर आपके वर्डप्रेस के ब्लॉग पे आके, वेबसाइट पे आके एक रैंडम सा लिंक छोड़ जाएंगे, दैट्स स्पैम। ऑल CMS आर अफेक्टेड बाय स्पैम। हर तरह का कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम is affected by some sort of spam. तो ये आपने एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसी न किसी तरह का स्पैम आपके ब्लॉग, आपकी वेबसाइट को लाजमी तौर पर अफेक्ट करेगा। देर इज नो सोल्यूशन टू स्पैम। देर आर वेज टू प्रिवेंट इट, देर आर वेज टू फाइट इट, लेकिन स्पैम को आप दुनिया से ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बेतहाशा हैकर्स बैठे हुए हैं, बेतहाशा साइबर स्टीलर्स बैठे हुए हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे राइट बॉट्स, दे राइट स्पैम मैसेजेस एंड सॉफ्टवेयर। और वर्डप्रेस इज एक्चुअली अफेक्टेड द मोस्ट। तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्डप्रेस इज द मोस्ट यूज्ड कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द इंटरनेट, इसी तरह व्हेन इट कम्स टू स्पैम, WordPress is targeted the most by cyber attackers or by hackers. और आगे हम आपको ऐसी features और ऐसे plugins का भी बताएंगे जिससे आप अपने WordPress को और secure कर सकती हैं, but right now our focus is spam. So your question might be कि हम spam messages को कैसे spot कर सकते हैं? How will we know कि ये जो message या ये जो comment आया है मेरी website पे, मेरे blog पे, मेरी WordPress की site पे, that is actually spam and that's not a true comment. So iske kuch tarike hain. You can look at the author name. Aap uske author ka naam dekhen, aur agar author ka naam aapko thoda sa weird lage ki aapka jo hai blog hai wo hai Pakistani cuisine ke bare mein, aur aapko comment ke author mein koi ladki nazar aati hai Angelina Jolie ke naam se, तो आपने सोचना है कि क्या ये कमेंट सही हो सकता है? लुक एट देयर कमेंट एज वेल। अगर उन्होंने अपने कमेंट में कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ लिखी हुई है जिससे कमेंट के कंटेंट का रिलेशन नहीं बन रहा आपके ब्लॉग के साथ, दैट्स आल्सो अ फ्लैग फॉर यू टू सी कि इफ़ दैट कमेंट इज़ अ फेक कमेंट या स्पैम कमेंट। और उनका URL देखें, अगर उन्होंने कोई ऐसा URL पोस्ट किया हुआ है जिस पे किसी तरह का आपको शको शुबाहत सामने आती है, सो दैट्स आल्सो प्रोबेबली स्पैम। एक और चीज़ स्पैम के बारे में याद रखिएगा, नॉट ऑल मैसेजेस विद लिंक्स आर स्पैम, बट ऑल स्पैम इज अ मैसेज
with a link. So 90% of ki jo messages aapko nazar aa rahe hain, comments jin pe kisi ne link post kiya hua, those are most probably spam. To aap spam ko kaise mark kar sakte hain? Aap spam ko WordPress ke dashboard se jaake mark kar sakte hain. If spam comment has been posted to your site, you can mark it as spam by hovering the cursor over that particular comment and clicking on spam ya mark as spam. So yahan pe aapko jaise nazar aa bhi raha hai, ye aapka dashboard hai aur wahan pe kuch comments hain, aap un comments ko wahan pe spam mark kar sakte hain. Aur jaise hi wo spam mark hoga to wo bin mein chala jayega. So you can spam ki alag se bhi ek section hai aur sath hi sath ek bin bhi hai. So aap pe depend karta hai whether you want to mark it as spam or whether you want to delete it. So, अब क्वेश्चन ये आते हैं कि कौन सी ऐसी फीचर्स हैं, कोई कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो स्पैम को फाइट करने में आपकी हेल्प करती हैं. सो वन फीचर दैट आई लव, आई यूज ऑन अ डेली बेसिस ऑन माय वेबसाइट्स इज कॉल्ड अकिस्मेट. अकिस्मेट क्या है? अकिस्मेट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज मेड बाय वर्डप्रेस टू फाइट स्पैम. एंड हाउ डज इट वर्क? अकिस्मेट हैज अ ग्लोबल नेटवर्क और दे यूज मशीन लर्निंग to see ke ye jo comment aapki site pe post hua hai whether it has the characteristics of a spam comment or not. And if you have enabled Akismet, you would be safe from spam. Ek aur cheez zehen mein rakhiyega ki usually Akismet is the first plugin that you should install if you want to save yourself from spam. Meri ek recent website hai jis pe ek spam attack hua tha and all of the links were hijacked by a bot. So to get rid of it, please use a service like Akismet. How can you control spam? You can install a captcha. Captcha kya hota hai? Bilkul jis tarah maine aapko pehle bhi kuch lessons mein bataya tha ki jab bhi koi comment post karega, captcha usse puchega to prove them whether they are a human or not. And how does captcha do this? By showing them a few images. So Google captcha iske liye ek plugin hai jo aap use kar sakte hain. Uske alawa आपका क्वेश्चन हो सकता है कि डज स्पैम डैमेज माय वेबसाइट? यस, स्पैम कैन हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर वेबसाइट. तो हम ये करेंगे कि हम साइट पे जाएंगे, जो मेरी साइट है digiskills.hamid.000webhostapp.com और वहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू दिस कमेंट सेक्शन दैट इज कमेंट्स. अब आपने देखा कि यहाँ पर डिस्कस इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसलिए कॉमेंट सेक्शन हैज़ बिन रिप्लेस बाई डिस्कस. सबसे पहले हम डिस्कस को डीएक्टिवेट करेंगे. आप अपनी वेबसाइट्स पे डिस्कस को इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से वील गो टू द कमेंट सेक्शन. सो कमेंट सेक्शन पे यू कैन एक्चुअली गो एंड सी के ये आपको लग रहा है कमेंट स्पैम के नहीं लग रहा और आप उसको किस तरह स्पैम में भेज सकते हैं. सो जिस तरह ये कॉमेंट जो मैंने खुद पोस्ट किया था एज अ स्ट्रेंजर, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ स्पैम कमेंट. ऑब्वियसली मैंने खुद पोस्ट किया था इसलिए मुझे तो पता है अपने बारे में, लेकिन बिकॉज आई थिंक यू नो ये स्पैम कमेंट हो सकता है क्योंकि किसी स्ट्रेंजर ने पोस्ट किया हुआ है. स्ट्रेंजर, आई डोंट नो हु दैट स्ट्रेंजर इज. आई डोंट नो के स्ट्रेंजर की ईमेल, देखिए किसी भी स्ट्रेंजर की ईमेल stranger@gmail.com नहीं होगी, हमेशा उसके नाम से होगा. सो दिस इज़ समथिंग दैट टेल्स अस कि यार ये कॉमेंट कैन बी अ स्पैम कॉमेंट. और अगर मुझे स्पैम कमेंट लग रहा है, आई विल होवर ओवर द कमेंट. मैं इसको अप्रूव भी नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली मार्क एज स्पैम कर दूंगा. और जैसे ही मैंने कमेंट को मार्क एज स्पैम किया तो ये यहां से गायब हो गया एंड नाउ इट इज इन द स्पैम सेक्शन. सो यू हैव नोटिस्ड कि कमेंट डिलीट नहीं हुआ बट स्पैम मार्क हो गया. बोथ आर द सेम थिंग्स. आपके सामने वेबसाइट से ये कॉमेंट निकल जाएगा बट मार्किंग कॉमेंट्स एज स्पैम हेल्प्स यू एंड हेल्प्स अकिस्मेट. अकिस्मेट को जैसे जैसे पता लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा कमेंट स्पैम मार्क हो रहे हैं, वो अपने सारे नेटवर्क पे वर्डप्रेस जो वेबसाइट्स हैं उनको दिखाता है कि ये कमेंट माइट बी अ स्पैम कमेंट. सो दैट्स हाउ अकिस्मेट रियली सेव्स यू. यहाँ पे अगर आप कमेंट को नॉट स्पैम मार्क करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप कॉमेंट को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं. सो मैंने नॉट स्पैम मार्क किया है. अब मैं जाऊँगा सारे कॉमेंट्स पे एंड आई विल मार्क दिस एज स्पैम अगेन. And then I would want to delete this permanently. Delete किया मैंने permanently और वो चला गया comment मेरे bin में. So this is a very simple way of marking comments as spam. Plugin है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक का उसमें नाम है Google Captcha.
So, ye plugin kya karega ki this is the plugin that I recommend, Google Captcha by Best Web Soft. It's very updated very frequently and iski installations bhi isko install kar le, apni site pe activate kar le. Aur saath hi saath ek aur plugin jis tarah maine aapko Akismet bataya tha, I would want to activate Akismet. Uski bhi ek configuration mein time lagta hai. To hum dekhenge ki agar hum usko live idhar activate kar sakte hain, what does it say? But do we have Akismet? तो हम Akismet को इंस्टॉल करते हैं. यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, Akismet is actually the most installed plugin on all WordPress websites. So activate करेंगे और activate करते साथ ही आप देख रहे हैं कि वो मुझे कह रहा है set up your Akismet account. Unfortunately, this lesson में we don't have the time to do that. But you can do that. It's very simple. Just follow the instructions. इस lesson में हमने सीखा कि कैसे आप स्पैम को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप स्पैम मार्क कर सकते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द वेज टू आइडेंटिफाई स्पैम, एंड साथ ही साथ हाउ कैन यू यूज प्लगइन्स लाइक Akismet, लाइक गूगल कैप्चा टू मेक वर्डप्रेस अ स्पैम फ्री एक्सपीरियंस फॉर यू.